हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं कुछ वीडियो के साइड। तो गाइस, आज हम बनाएंगे पैठा यानी पैठे की मिठाई। तो ये मेरे पास है 500 ग्राम का पैठा। तो आज हम इसी पैठे से ना पैठा लड्डू बनाएंगे। तो इन पैठों को हम क्या करेंगे, इनको पहले ना ग्रेट करेंगे। गाइस, ऐसे हम किसनी ले लेते, तो हम ऐसी किसनी लेंगे, इसी से ही कसेंगे। तो ये बड़ा वाला है ना, इससे कसना है। ये पैठा ले लेते हैं ऐसे, इसको इस तरह कसना है। सारे पैठे हमें ना ऐसे ही कस लेंगे। तो गाइस, ये मैंने ना पैठे को अच्छी तरह से कस लिया है, बहुत अच्छे से कस गया है। अब हाथ भी गंदे हो जाते हैं इसे, जैसे चिपचिपे हो जाते हैं चाशनी से। तो अब पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। ये मेरे पास एक कटोरी मावा है, यानी 250 ग्राम मावा है। आधी किलो पैठे में मुझे 250 ग्राम मावा चाहिए, तो हमें 250 ग्राम ही लेना है। अब इसको हम गर्म करेंगे। तो गैस पर मैंने ये पैन चढ़ा दिया है, गैस जला दी है। इसको हमें ना गर्म करना है। फ्रिज में रखा हुआ खोआ थोड़ा टाइट सा हो जाता है, तो आप उसको ना अच्छे से फोड़ फोड़ के ही गर्म करें, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो हर चीज़ जम जाती है। इसको हमें तब तक गर्म करना है, ये हल्का सा अपना है ना घी नहीं छोड़ दे। गैस हमें ना इतना ही मावा गर्म करना है कि हल्का सा घी छोड़ने लगा है। अब गैस को कर देंगे बंद। गैस अभी तब तक हमारा ना मावा ठंडा हो रहा है, तो मैं कुछ सामान बता देती हूँ। ये मेरे पास मिली जुली मेवा है, इसमें ना काजू है, बादाम है, किशमिश है, चिरौंजी है। बाकी का आप ड्राई फ्रूट जैसा डालना चाहें आप वैसे भी डाल सकते हैं, हमने तो इतना ही लिया है। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डालना भी खुशबू के लिए डालते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये डेसिकेटेड पाउडर है कोकोनट, ये लड्डू के लिए हमें चाहिए। तो हमें मीठा तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि कम्प्लीट ऑलरेडी पैठा मीठा ही होता है, तो इसमें मिठास तो बहुत होती है, बाकी की मावा में ही मिठास है। तो हम मावा डालते हैं, ये ठंडा हो गया है। तो गाइस हम इसमें डालते हैं मावा। मावा क्या गर्म करते हैं ना, तो थोड़ा बिखर सा जाता है। इसमें हम डालेंगे, हाथों से इसको मैश करेंगे अच्छे सा। अब गाइस ये ड्राई फ्रूट है ना, इसी में डालेंगे हम इलायची पाउडर। ये बहुत शानदार लड्डू बनते हैं इसके, और सिंपल मिठाई है ये। तो गाइस इसको अच्छे से मिला लेते। अब इसमें जाएगा हमारे पास है एक कटोरी मिल्क पाउडर, तो इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। गाइस इस वाली मिठाई को आप है ना, हमारे घर में कोई ऐसे व्रत वगैरह का कार्यक्रम होता है ना, तो आप इसको बना सकती हैं। ये व्रत में भी खाई जाने वाली मिठाई है। इसके हम है ना लड्डू बनाएंगे। लड्डुओं का तो साइज आप जैसा चाहो वैसे बना सकती हैं। तो लड्डू तो थोड़ी मीडियम आकार के ही अच्छे लगते हैं। इस तरह हमें ना सारे लड्डू बांध लेंगे। तो गाइस ये हमने ना कोकोनट पाउडर में ये डाल दिए, इसको है ना इस तरह हमें ना लपेट लेंगे। नारियल का सूखा बुरादा है। तो गाइस ये है ना मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आधी किलो यानी 500 ग्राम पैठा था, 250 ग्राम मावा है, और कुछ नहीं है इसमें, मिले जुले ड्राई फ्रूट थे बस, और ये नारियल का बुरादा था। और गाइस अब एक देवउठनी एकादशी भी आ रही है, तो आप उसके लिए आप ये तैयारी कर लें पहले लड्डुओं की। प्रसाद में ये लड्डू बहुत ही अच्छा लगेगा। एकादशी में हम 11 में इस प्रसाद को खा सकते हैं। और ये मैंने पैठे के लड्डू तैयार करें बिना मेहनत के, कोई भी गैस भी नहीं जलाई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने है ना मावा गर्म किया,
तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आई। कितने सिंपल तरीके से खेल खेल में भी ये लड्डू बन जाते हैं। तो गाय जितने सुंदर ये लड्डू दिख रहे हैं उतने खाने में कई चौगुने स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे ये आपके। गाइस आप इस लड्डू को आप ट्राई करना, मेरे इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना। तो मैं ऐसे ही लड्डू लेके आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ को आप लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।